सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेमिंग वर्ल्ड। स्वागत है आप सभी का ब्लड स्ट्राइक मोबाइल के गेम प्ले में। आज से है ना, मैं फ्री फायर के साथ साथ इस वाले गेम की वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, और एक और गेम है हॉनर ऑफ किंग्स, उसका भी है ना गेम प्ले आया करेगा। मैंने है ना इस वाले गेम की ब्रोजोन और सिल्वर जो रैंक होती है ना, वो पूरी मैंने कंप्लीट कर दी। अब मैं गोल्ड पे चल रहा हूँ, वो भी गोल्ड वन नहीं है, गोल्ड वन से तो ऊपर ही है, ठीक है। तो है ना, ऐसा नहीं है कि गेम में दुनिया भर के बोट ही बोट आए, भाई बोट से दिमाग खराब होता है। रियल प्लेयर तो वैसे है ना सिल्वर से ही आना चालू हो गए थे, और ये गेम है ना मतलब फेमस हो रहा है, ये गेम है ना धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा हाइप पकड़ रहा है। इसको ना वारजोन का लाइट वर्जन बोलते हैं, और मैं तो बोलूँगा भाई वारजोन से तो ये गेम, भाई वारजोन से तो काफ़ी अच्छा है। वारजोन तो भाई मैंने खेला था, पहली बात तो उसमें हीटिंग प्रॉब्लम, बाप रे, मतलब एक तो धुंधली ग्राफिक्स, ऊपर से हीटिंग प्रॉब्लम। अरे क्या कर रहे हो भाई, इतनी बड़ी कंपनी वारजोन की ऐसी की तैसी कर दी, उतरे के सामने की तरफ बंदा गया। भाई ये जो मेरे पास गन है ऑटो फायर वाली नहीं है, तो इसको ना फिनिशर देने वाला हूँ, वार तो उनकी तरह इसमें भी फिनिशर है। ये देखो भाई उठा के भाई फोड़ दी, खोपड़ी फोड़ दी इसकी है। इसको बेचारे को गन नहीं मिली थी, बेचारा भाई दौड़ा दौड़ा यहाँ पे आ रहा था गन लूटने के लिए, यहाँ पे गन रखी हुई है। उतरे की इसका पार्टनर आ रहा है, उतरे की तेरी ऐसी की तैसी, मर जा मर जा मर जा मर जा मर जा। उसको भाई डैमेज दिया है मैंने काफ़ी, मर जा मर जा मर जा मर जा मर जा। अबे पूरी भाई गन खाली हो गई, गन चेंज करो। बहुत बढ़िया, तू भी ले ले बेटे, फोड़ दी भाई खोपड़ी फोड़ दी। अब मेरा जो करेक्टर ना ये भी भाई मस्त लगता, अच्छा खासा मोटा तो पता है यहाँ से है ना मैं थोड़ा फिर अपने आप को हील वील करके आगे की तरफ बढ़ता हूँ। और वैसे फ्री फायर में होते हैं ना हम हिट लिस्ट ले सकते हैं, तो वैसे ही है ना इसमें भी हम है ना हिट लिस्ट ले सकते हैं। तो मैंने एक हिट लिस्ट ले रखी थी, और यहाँ पे है ना सामने की तरफ ही मेरी हिट लिस्ट भाग रही होती है, इसको भी मैं भाई ऐसी की तैसी करता हूँ। मेरा ना एम देख के ना हैरान मत होना, क्योंकि मैंने एम असिट्स लगा रखा है, वो भी थोड़ा हाई वाला एम असिट्स, तो है ना आसानी से गोली इसमें ना कनेक्ट होती है, जो कि अच्छी बात है भाई। अगर एम असिस्ट नहीं होगा ना तो गेम खेलने में मजा ही नहीं आएगा। उसके बाद मैंने एक और हिट लिस्ट ली, और इस वाले बंदे को ही मारा। पता है मैं यहाँ पे ना स्क्वाड खेल रहा, हालांकि स्क्वाड मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि टीममेट्स है ना यार मेरे बहुत, मतलब रैंडम टीममेट्स बड़े ज़्यादा, मतलब बहुत बेकार होते हैं यार, सही में बहुत बेकार होते हैं रैंडम टीममेट्स। तो मेरे को है ना सोलो खेलने की आदत है, लेकिन सोलो में है ना ये डायरेक्ट ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि अभी तो मैंने दो बंदों को फिनिशर दिया था ना, वो क्यों नॉक हो गए थे, नॉक हुए बंदे को तो फिनिशर दे सकता हूँ, लेकिन जो बंदा डायरेक्ट ही मर गया उसको क्या फिनिशर दूंगा। तो इसलिए मैं हूँ ना मजबूरी में ये स्क्वाड खेल रहा हूँ, वरना मेरे को भाई सोलो ही पसंद है। तो उसके बाद मैं दोबारा आना हिट लिस्ट लेता हूँ, इसमें मतलब हिट लिस्ट नहीं बोलते, इसमें बाउंटी मिशन बोलते हैं उस चीज़ को, और वो है ना किसी मशीन से हमें नहीं लेनी होती, वो है ना मतलब ज़मीन पे पड़ी हुई कहीं पे भी मिल जाती है। और ये देखो भाई क्लोज में एम असिस्ट नहीं है तो कितना भाई मुश्किल हो रहा है। और फिलहाल तो मैं मतलब नया नया प्लेयर हूँ, तो फिर थोड़ा तो मुश्किल होएगा ही, लेकिन समय के साथ साथ जैसे कि जैसे मैं इसके 50-60 मैच खेल लूँगा तब मैं और ज़्यादा तगड़ा हो जाऊँगा। बाकी है ना मैं रैंक पुश वगैरह नहीं करने वाला, मैं गेम है ना एंजॉयमेंट के लिए खेलने वाला हूँ। मैं ना ही फ्री फायर में रैंक पुश करूँगा, ना ही इसमें करूँगा। हाँ लेकिन बंदे हैं ना असली आएंगे, जिसमें असली बंदे आएंगे उसी का मैं गेम पे डालने वाला हूँ। फिलहाल तो इसमें भाई बंदे इतने ज़्यादा नूब आ रहे हैं ना भाई, बोट में और बंदे में मालूम ही नहीं पड़ता। तो गाइस अब है ना जोन हो चुका है छोटा, और है ना पांच में से मैंने मान लो दो या तीन ही मैंने बोट मारे होंगे, ठीक है। और अब हो चुका है जोन छोटा, तो अब है ना एकदम रियल बंदे आने वाले हैं। तो मैं हूँ ना मतलब काफ़ी सावधानी से खेल रहा हूँ फिलहाल, और देख रहा हूँ बंदे। इसमें ना स्पॉटिंग भी अच्छी है, अगर बंदा थोड़ा दूर खड़ा होगा ना तो वो दिख जाता है, और कलरिंग वगैरह तो देख ही सकते हो। हालांकि थोड़ा मैंने एडिट करके भी इसका कलरिंग थोड़ा मैंने सही किया है, लेकिन वैसे इसकी कलरिंग काफ़ी अच्छी है। ये देखो ये देखो, अरे बाप रे, अरे ये देखो भैया रियल प्लेयर है भाई, एबिलिटी यूज़ कर रहा है। रुक तेरे ऊपर अपने ग्रेनेड गिराता हूँ, जो मेरा करेक्टर है इसकी एबिलिटी है भाई किसी पे भी है ना बॉम्ब बॉन्डिंग कर सकता है, मतलब ग्रेनेड गिरा सकता है। अबे ये तो मेरा ही पार्टनर है यार, तुम मेरे को डरा क्यों रहा है यार, उसने कितना डैमेज दे दिया, आधी हेल्थ कर दी मेरी, शील्ड भी तोड़ दी और हेल्थ भी आधी कर दी, और भाग भी गया। उसके ऊपर मैंने इतने सारे बॉम्ब गिराए, उनमें से यार कुछ तो बॉम्ब लगे होंगे। पहले अपने आप को ना हील करूँ यार, शील्ड तो मेरी फिर से आ गई, लेकिन भाई जो कि अपनी हेल्थ होती है वो मेरे को मेडकिट सही सही करनी पड़ेगी, ठीक है। पूरा सामने की तरफ ये वही बंदा है जो भागा था, बेटे तेरे ऊपर आ रहा हूँ, बेटा आ रहा हूँ तेरे तो मुँह पे मुक्के मारूंगा नहीं ना, तेरे को मजा आएगा ही नहीं। ये ले बेटे, ओ खतरनाक बंदा था, डेजर्ट ईगल लेके घूम रहा था। मतलब इसे है ना मतलब डेजर्ट ईगल में बहुत ज्यादा डैमेज देती है डेजर्ट ईगल, मतलब 4-5 गोली में ये मेरे को सल्टा देता है, या फिर उससे भी कम गोली में। हाँ और जब मेरे पास तो मशीन गन है, तो मैं तो उसमें गोली बहुत ज्यादा बरसाई। मतलब डेजर्ट ईगल
कम बुलेट्स में हमें नॉक कर सकती है, और जो मशीन गन होती है इसमें बुलेट ज़्यादा लगती है। लेकिन अगर स्किल्ड प्लेयर है काफ़ी ज़्यादा तगड़ा, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। स्ट्रेट देख किसी कोई बंदा अपनी एबिलिटी यूज़ कर रहा है, सारे बंदे ना अब तगड़े आ रहे हैं। देखो भाई यहाँ सामने की तरफ बंदा है, मैं इसको भी देखता हूँ, तेरी ऐसी की तैसी। ये जिन जिन गन में ना हाई स्कोप लगा होता है उनसे मारने में थोड़ा आसान होता है। बापरी बापरी खतरनाक डैमेज दे रहा है यार, इसको देखना पड़ेगा। पत्थर के पीछे ही है, तेरी ऐसी की तैसी। थोड़ा बाहर निकलियो बेटा, मेरा अपना बाहर निकले हो। इसके ऊपर मैं बॉम्बार्डिंग भी कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, पहले मैं बंदे की लोकेशन तो देख लूँ, पता नहीं कहाँ बॉम्ब गिरा दूँ, फिर मालूम भी ना पड़े। अबे कहाँ भाग गया छपरी, अबे अरे ये कहाँ गायब हो गया अरे भाई ये तो भाग लिया। चलो छोड़ो फिर इसको, जाएगा कहाँ है, यहाँ यहीं पे भागा था यार, कहाँ चला गया ये बंदा अचानक से। जोन भी आ रहा है, एक काम करता हूँ मैं उन्हें जोन में चलता हूँ, यहाँ पे रुकना बेकार है। खाम खा जोन भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज देगा। जोन आ रहा है, निकलो 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 भाई, निकलो निकलो निकलो। वो तो मेरे को लगता है ना पानी के, पानी से तैर के है ना दूसरी तरफ चला गया होगा, लेकिन मेरे को तो ब्रिज से जाना है और बंदों की निगाह ना ब्रिज पर ही होगी। जितने ही बंदे बचे हुए हैं ना उन सबको पता है कि भाई जोन की तरफ यहाँ पे बंदे, फाइटिंग भी चल रही है, मैंने मतलब शूटिंग भी करी है ना, तो सबको मेरी लोकेशन रिवील हो गई होगी। तो गाड़ी लेके चलता हूँ भाई, ठीक है। तो यहाँ से उतरेगी, एक स्क्वाड ने मेरे ऊपर रश कर दिया, शिट शिट शिट, वो मेरा टीममेट भी है, मेरा टीममेट अकेले फाइट कर रहा है। उतरेगी ग्रेनेड व्रेनेड सब के सब छोड़ रहे हैं, ये लोग सोच रहे होंगे कि मैं आऊँ ना, मैं मतलब इनको क्रॉस कर गया, लेकिन नहीं, मैं बेटे पीछे से आगे मारने वाला हूँ। मैं भाई भागने वालों में से नहीं हूँ, तेरी ऐसी की तैसी। इन लोगों ने है ना मेरे पार्टनर को नॉकआउट कर दिया है शायद। गाइस बाकी आप लोग बताओ आप लोगों को ये गेम कैसा लग रहा है, अगर आप लोगों को गेम बढ़िया लग रहा है तो कमेंट करके बताओ, और इस गेम के भी गेम प्ले में डालने वाला हूँ। मेरे को तो ये गेम काफ़ी बढ़िया लग रहा है, जो कॉल ऑफ ड्यूटी के फैंस होते हैं ना उनको ये गेम काफ़ी बढ़िया लगने वाला है, जो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल खेलते हैं और जो वार्जो नहीं खेलते। ये देखो इसने मेरे पार्टनर की ऐसी की तैसी कर रखी है बेटे, मेरे पार्टनर को मारेगी तो है, ये ले बेटे मुक्का खा। मेडिक नीडेड, आ रहा हूँ बेटे आ रहा हूँ, दो मिनट रुक जा यार, यहाँ बंदे हैं भाई, मैं तेरे को बचाने आऊँगा, वो मेरे को मार देंगे, जल्दी से तेरे को रिवाइव देता हूँ, भाग जाइयो यहाँ से कि फिर से नॉकआउट हो जाए तू, जल्दी से रिवाइव हो जाए भाई, कोई मेरे को ना मार दे। दुश्मन दुश्मन है ना इसी चीज़ का इंतजार करते हैं, कब बंदा अपने पार्टनर को रिवाइव करे और वो कब है ना हमको मारे। तो मैं ना एक काम करता हूँ, इस वाली साइड से ना थोड़ा मतलब दिमाग लगा के जाता हूँ, जिससे कि भाई बंदों को मेरी लोकेशन भी ना मालूम पड़े, मैं बंदों को देख भी लूँ, उनको मार भी दूँ। तो एक तो मैं बचा हुआ हूँ और एक मेरा पार्टनर बचा हुआ है, और दो ही अपोनेंट में बचे हुए हैं, बाकी के मेरे लगता है दो टीममेट्स है ना मारे गए, पता नहीं। अरे 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 कहाँ से देख लिया भाई, अरे भाई काफ़ी खतरनाक डैमेज है दे रहा है भाई, कौन सी गन ले रखी है तूने, हैं कितना तगड़ा डैमेज दे रहे हैं ये लोग तो लोड आउट भी, मतलब ये गन है ना ये मैंने कस्टमाइज करी है लोड आउट से, लोड आउट के थ्रू जितने मैं इससे किल करूंगा ना उतना ही है ना मतलब बंदे, मतलब उतना ही इस गन की है ना और पावर इंक्रीज होगी। देख रहे हो गन्स की जैसे ही बुलेट खाली होती है ना तुरंत भाई कुछ ही सेकंड में मैं हूँ ना गन स्विच कर लेता हूँ और ग्रेनेड फेंकता हूँ। मैंने बंदा नॉक किया है ना वो रिवाइव कर रहा होगा वहाँ पे, और ये क्या भाई ग्रेनेड से मैंने नॉक कर दिया बंदे को, आग वाला ग्रेनेड फेंका था मैंने काफ़ी बढ़िया। तो या फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, मेरे सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।